लोकसभा चुनाव 2019 से एन पहले कांग्रेस ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने सियासत में कदम रख दिया है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। अब प्रियंका गांधी का सीधा मुकाबला पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए सपा बसपा ने कांग्रेस को अलग रखकर गठबंधन किया था। ऐसे में कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े कार्ड को सूबे में ही चल दिया है और ये जिम्मेदारी सौंपने के पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। केंद्र की सत्ता पर काबिज पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद हैं और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से ही आते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को वाराणसी संसदीय सीट से उतारकर पूर्वांचल में सभी दलों का सफाया कर दिया था। महज आजमगढ़ सीट ही थी जहां सपा जीत सकी थी। और इसी तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने 3 दिनों तक डेरा जमाकर सपा कांग्रेस गठबंधन को भी धूल चटा दी थी। एक दौर ऐसा भी था जब ब्राह्मण पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद उनका झुकाव बीजेपी की ओर हो गया। आपको बता दें कि लोकसभा में यूपी से ही सबसे ज्यादा 80 सांसद आते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से कांग्रेस सिर्फ अमेठी और राय बरेली तक ही सिमट कर रह गई थी। राज्य में प्रियंका गांधी की एंट्री से पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जरूर आएगा। इस खबर पर आप भी अपनी राय दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।